सब्सक्राइब कीजिए निगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप विराट कोहली के फैंस हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। दोस्तों, आईपीएल में कल इंदौर के होलकर स्टेडियम में पंजाब का सामना बेंगलोर से हुआ था। इस 48वें मैच में बेंगलोर की शानदार गेंदबाजी की वजह से पंजाब को हार का सामना करना पड़ा है। तो आए जानते हैं कि किस वजह से पंजाब को हार का सामना करना पड़ा। टीम ने स्टार स्पिनर मुजीब रहमान को टीम में शामिल नहीं किया। उनका न होने टीम पर काफी ज्यादा भारी पड़ा। एक तरफ जहां टीम के बल्लेबाज आज कुछ खास नहीं कर सके थे, वही मुजीब का टीम में न होने से टीम की गेंदबाजी भी कमजोर पड़ गए। राहुल और गेल पर निर्भर था, टीम गेल और राहुल कुछ ज्यादा ही निर्भर कर रही है। एक तरफ जहां आज जैसे ही गेल और राहुल ने चले, पूरी टीम एक साथ ढह गए। उनका अतिनिर्भरता भी पंजाब की हार का कारण बना। मयंक अग्रवाल की खराब फॉर्म। आईपीएल से पहले उम्मीद की जा रही थी कि मयंक अग्रवाल आईपीएल में अच्छा करके टीम इंडिया में जगह बना सकते हैं, लेकिन आईपीएल में उनकी खराब फॉर्म लगातार जारी है। उनकी खराब फॉर्म भी पंजाब का हार का एक कारण बना। आज भी उनके पास खुद को साबित करने का मौका था, लेकिन वो फेल हो गए। अक्षर पटेल की भूमिका। टीम के लिए सबसे बड़ी असफलता के रूप में अक्षर पटेल सामने आए हैं। न तो वो बल्लेबाजी में कुछ खास कर पा रहे हैं और न ही उनकी गेंदबाजी में वो दम नजर आ रहा है। उनका खराब प्रदर्शन भी आईपीएल में पंजाब की हार का एक कारण बन रहा है। उनका न चलना टीम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। अश्विन के टीम की बल्लेबाजी में लगातार प्रयोग कर रहे हैं। अभी तक टीम के पास एक संतुलित बल्लेबाजी क्रम नहीं है, इस वजह से भी पंजाब को हार का सामना करना पड़ रहा है। आप अपना विचार कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आपने गा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करें, और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें।